आज हमारा यहाँ पे मनाया जा रहा है वर्ल्ड हियरिंग डे, तो उसी सिलसिले में मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ हमारा डेफनेस का बारे में अरुणाचल प्रदेश का वासियों को और हमारे स्टेट का सभी जनता को। जितना भी हम अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट में देखा गया है, लोग नॉइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, जबकि नॉइस पोल्यूशन का वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस बहुत होता है। डेफनेस बोला जाए तो दो तरह का होता है, एक है कंडक्टिव डेफनेस और एक ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस में ऐसा है कि ज़्यादातर लोग नॉइस पोल्यूशन की वजह से होता है, जैसे कि आजकल का नौजवान कान का अंदर में ईयरफोन लगाते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्स जो पोज में काम करते हैं उनको फायरिंग वगैरह बहुत करना पड़ता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कारण है कि एक तो ओल्ड एज की वजह से होता है, ओल्ड एज हो जाने के बाद 60-70 ईयर्स में हमारा जो नर्व जो है सूख जाते हैं। मैं नौजवान लोग को बोलना चाहता है कि आप लोग कान का अंदर में ईयरफोन यूज़ ना करें, ताकि आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद जो पुलिस में काम करते हैं उनको फायरिंग प्रैक्टिस, जो फायरिंग प्रैक्टिस होता है उस समय ईयर प्लग यूज़ करना ज़रूरी है। उसके जब बच्चा जब छोटा में जो है उसमें पानी उसमें देना नहीं चाहिए। उसके बाद बेबी का टाइम में फीडिंग करने का टाइम में लेटा के फीडिंग नहीं करना चाहिए मालो, और फीडिंग करने के बाद बार्पिंग करना चाहिए। अगर लेटा के फीडिंग करेगा तो यहाँ का जो दूध है, जो माँ का दूध है, वो कान का अंदर चला जाता है। तो इसलिए जो चोटा में जो प्रिकॉशन जो लेना चाहिए वो अभी लेना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि चोटा में जो चाइल्डहुड ईयर डिजीज होता है तो उसका वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो उसके बाद जो एयरपोर्ट्स वगैरह में जो काम करते हैं, एयरपोर्ट में ट्रेन स्टेशन वगैरह में काम करते हैं, वो भी ईयर प्लग यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दिवाली का समय में क्रैकर्स वगैरह जो ज़्यादा जोर वाला नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी परमानेंट लॉस होता है। उसके बाद घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें भी ज़्यादातर पति लोग पी के औरत को हाथ लगाता है तो कान से थप्पड़ देता है, तब से भी परमानेंट हियर लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, पर्दा पत सकता है। उसके बाद स्कूल में बच्चे को जब पनिशमेंट देता है तो कान से नहीं मारना चाहिए। उसके बाद पुलिस लोग जब ट्रैफिक वायलेंस वगैरह होता है उस समय भी कान से नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपना जो अवेयरनेस नहीं होता है कि कान में लगा देते हैं उसके वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। और अगर हियरिंग लॉस हो जाए तो ये है उसका ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। आजकल हम लोग अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी किया है एंडोस्कोपिक सर्जरी, मतलब यहाँ से नहीं कटेगा, डायरेक्ट अंदर से एंडोस्कोप करके एंडोस्कोप लगा के कान का पर्दा को ठीक करता है। लेकिन अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को अवेयरनेस देना जरूरी है। जनरली अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, आप सुबह उठा तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आना है। अगर विद इन 72 आवर्स में इलाज करता है तो रिकवरी होता है, नहीं तो फिर वो सडनली परमानेंट लॉस भी हो जाता है। सडनली जो होता है विद इन 72 आवर्स में उसको ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। एक है कि उसमें अगर जल्दी नहीं आएगा तो देर होगा तब प्रॉब्लम हो जाता है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। उसके बाद जो एज ओल्ड एज ज़्यादा हो, जिसका ज़्यादा है उसका वजह से जो बीमार हो जाता है, उसका वजह से जो चला जाता है जो हियरिंग, उसके लिए तो हम हियरिंग एड्स प्रोवाइड करता है, हमारा गवर्नमेंट में भी फ्री में मिलता है। ईयर डिजीज का ऑपरेशन खूब आराम से हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है।